मैं हूं आपका घोस्ट, माफ कीजिएगा जुबान फिसल गई, मैं हूं आपका दोस्त कुलवंत द पूर्वा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, कहते हैं हनुमान चालीसा की इस चौपाई का पाठ करने से जिंदगी में भूत प्रेत दूर भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी में कई तरह के भूत होते हैं। इन भूतों में एक तरह के भूत हैं हमारे अपने अंदर के भूत। जी हाँ, इन भूतों में आते हैं डर वाला भूत, चिंता वाला भूत, और दूसरी तरह के भूत वो होते हैं जो बाहर से आते हैं, आप इन्हें लोग भी कह सकते हैं। इन भूतों में आते हैं चिपकने वाले भूत और दूसरा रंग बदलने वाले भूत या दो मुंह वाले भूत। तो आइए आज की इस मेरी वीडियो में जानते हैं इन भूतों के बारे में विस्तार से, और ये भी जानते हैं कि कैसे इनसे छुटकारा मिल सकता है। चलिए मेरे साथ। आपको डर तो नहीं लग रहा इस भूत नगरी में जाने के लिए? अरे कुछ नहीं होगा, आइए तो सही। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन भूतों के बारे में जो हमारे अंदर ही डेरा डाले हुए हैं। तो पहला हमारे खुद के अंदर का भूत है डर का भूत। जी हाँ, डर का भूत। ये नेचुरल है कि हर इंसान को किसी न किसी चीज या बात का डर लगा ही रहता है। है ये जिंदगी की डगर, लगा रहेगा कोई ना कोई डर। जैसे किसी को भीड़ के सामने खड़े होने से डर लगता है, किसी को जिंदगी में फेल होने का डर लगता है, किसी को एक्सीडेंट होने का डर, तो किसी को ऊंचाई से डर, पानी से डर, अंधेरे से डर, ड्राइविंग सीखने से डर, तो किसी को अपनों के खोने का डर। इस संदर्भ में एक कड़वी बात कहूं कि ये जो डर है ना, इसके लिए कुछ हद तक तो हम पेरेंट्स भी जिम्मेवार हैं। जैसे बच्चा जब दूध नहीं पीता, खाना नहीं खाता या कोई भी काम नहीं करता, तो हम ही तो कहते हैं कर ले बच्चे, नहीं तो शेर आ जाएगा, बंदर आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी, भूत आ जाएगा। जाने अनजाने बच्चे के अनकॉन्शियस माइंड में तभी से डर का भूत बैठ जाता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इस डर के भूत को भगाया कैसे जाए। पहला स्टेप, अपने सारे डर की एक लिस्ट बना लो और पहले नंबर पर वो डर लिखो जो सबसे ज्यादा लगता है, फिर उससे कम, फिर उससे भी कम। मान लीजिए लिस्ट में 5 तरह के डर आ गए। अब 5वें नंबर के डर को सबसे पहले भगाने की कोशिश करेंगे ताकि वो डर आसानी से दूर हो जाए और हमारा मोरल अप हो और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। मान लेते हैं कि लिस्ट में 5वें नंबर पर आपका डर था ड्राइविंग सीखने का। जी हाँ, ड्राइविंग सीखने का डर। दूसरा स्टेप है, अब पास्ट में अपने ड्राइविंग सीखने के सभी बुरे एक्सपीरियंस को भूल जाओ और खुद से जोर से बोलो कि मैं अगले महीने की 20 तारीख या कोई भी तारीख तक ड्राइविंग सीख कर रहूंगा, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तीसरा स्टेप, ड्राइविंग सीखने की किताबें पढ़ना शुरू करो। यूट्यूब पर भी ढेर सारी वीडियो हैं ड्राइविंग स्किल्स की, वो ध्यान से देखो और जब भी कार में, बस में सफर करो तो कोशिश करो कि ड्राइवर के साथ ही बैठो और ध्यान से देखो कि वो कैसे ड्राइव कर रहा है। चौथा स्टेप, इस डर को दूर करने के लिए थोड़ा सा पैसा खर्च करो और किसी अच्छे से ड्राइविंग स्कूल से 1 हफ्ता 2 हफ्ते या 1 महीने तक भी क्लास अटेंड करो। आप ठान तो लो कि एक बार, यकीन मानो आप ड्राइविंग के मास्टर हो जाओगे। एक बात और, उम्र की कोई सीमा नहीं होती, आपकी लगन में दम होना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों आप बाकी के डर के भूत को भी भगा सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे अंदर का दूसरा भूत है चिंता का भूत। कई बार हमें आने वाले कल के बारे में भी डर लगता है, कल क्या होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा, यही सोच सोच कर हम अपना आज भी खराब कर लेते हैं। भविष्य में हमारा कोई जोर नहीं, कल हम जिएंगे या मरेंगे हम नहीं जानते, कल अपनी चिंता खुद करेगा, वर्तमान में जियो। भविष्य के बारे में ज्यादा सोचने से हमारा आज भी खराब हो जाता है।
चिंता के इस भूत को भगाने के लिए चिंता नहीं चिंतन कीजिए, रास्ते ढूंढिए, उस पर काम कीजिए, एक्ट कीजिए, प्लानिंग कीजिए, जो हम कर सकते हैं वो कीजिए और बाकी सब छोड़ दीजिए उस वाहे गुरु, उस खुदा, उस भगवान, उस गॉड पर। यकीन तो मानिए, सब ठीक हो जाएगा और चिंता का भूत आपसे भाग जाएगा। अब बात करते हैं बाहरी भूत की। इस कैटेगरी में पहले नंबर पर आते हैं चिपकने वाले भूत। आप सोच रहे हैं ना कि ये कैसा भूत? अरे ये वो भूत होते हैं जो ना सुबह देखते हैं, ना दोपहर, ना शाम और ना रात, बस कभी भी चिपकने आ जाते हैं। अमूमन सभी की जिंदगी में इस तरह का कोई ना कोई भूत होता ही है। आपको याद आ गया ना अपना वाला चिपकने वाला भूत? मुस्कुरा दिए ना। कोई ना, बताते हैं कि कैसे भगाते हैं इस भूत को। इससे पहले एक बात और, अगर तो आप फ्री हैं और आपको उनकी कंपनी में मजा आ रहा है तो एंजॉय कीजिए, नहीं तो चिपकने वाले भूत को भगाने का सबसे बढ़िया रास्ता है कि हमें अपना एटीट्यूड बदलना होगा। हमें थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा। उन्हें सॉफ्टली इग्नोर करो, जैसे कि सॉरी मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, या सॉरी मैं बिजी हूँ, या आप झूठे बहाने बनाकर भी उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। धीरे धीरे वे आपसे दूरी बना लेंगे। आफ्टर ऑल आप सभी को तो खुश नहीं कर सकते ना। कहीं कहीं जिंदगी में ना करना भी बहुत जरूरी होता है। आपकी अपनी जिंदगी है दोस्त, अपने प्लान्स हैं, अपने सपने हैं। ऐसा करने से धीरे धीरे इस तरह के भूत भाग जाएंगे, या फिर ये तो पक्का ही है कि इस तरह के भूत की चिपकन तो कुछ ना कुछ कम हो ही जाएगी। आज की इस वीडियो के आखिरी बाहरी भूत हैं रंग बदलने वाले भूत। ये वो भूत हैं जिनके दो मुंह होते हैं। हाँ जी, दो मुंह। एक मुंह तब खोलते हैं जब वो आपके सामने होते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके बारे में सभी कुछ अच्छा अच्छा बोलते हैं, और दूसरा मुंह तब खोलते हैं जब वो आपकी पीठ के पीछे होते हैं। फिर तो पूछो ही मत, इतनी बुराइयां आपके बारे में करते हैं कि बुराई भी शर्मा जाए। इस तरह के भूत की खासियत ये होती है कि इन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। देर सवेर ये पकड़ में आ ही जाते हैं। इस रंग बदलने वाले भूत को भगाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि इनको दिल खोलकर हालचाल नहीं देना चाहिए। मतलब की बात, अब बहुत ही जरूरी बात इनसे शेयर करनी चाहिए। फिर बातों ही बातों में इन्हें एहसास करा देना चाहिए कि आपको पता है कि वो आपकी पीठ पीछे क्या बात करते हैं। दूसरा तरीका है कि इनकी पीठ पीछे की गई बातों को पूरी तरह से इग्नोर करना और सोचना कि लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, फिर हम तो इंसान हैं, हमारे पीछे तो बातें करेंगे। हम जानते हैं कि भूत डरावना होता है, लेकिन आजकल का तो इंसान इससे भी डरावना है। वैसे देखा जाए तो जिंदगी में थोड़ा बहुत डर तो होना ही चाहिए। अगर हमें फेल होने का डर ना होता तो हम पढ़ाई कैसे करते? अगर हमें अपने मम्मी पापा का डर ना होता तो हम सही रास्ते पे कैसे चलते? और अगर हमें बीमार होने का डर ना होता तो हम अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखें? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक बटन दबाइए। और कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। आप इस वीडियो को शेयर करके समाज से डर के भूत को भगा सकते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, डर को डरा के भगा दो। अगर फिर आए तो एक यहाँ से और दो वहां से खींच